हेलो दोस्तों, मैंने आज देखी मूवी राजा बाबू। 10 जनवरी 1994 को ये मूवी आई थी। इनको डायरेक्ट किया था डेविड गन, कॉमेडी के किंग, कॉमेडी के बादशाह। देखो इसमें गोविंदा थे, करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर, कादर खान, अरुणा ईरानी। इसमें गोविंदा का कैरेक्टर का नाम था राजा, करिश्मा कपूर का मधुबाला, शक्ति कपूर का नंदू, कादर खान का किशन, अरुणा ईरानी का जानकी देवी। इसमें विलन के तौर पर दिखे थे प्रेम चोपड़ा और गुलशन ग्रोवर, जिसमें प्रेम चोपड़ा का नाम था लखन और गुलशन ग्रोवर का बांके। देखो ये एक बेस्ट कॉमेडी मूवी थी, और एक ऐसे बेटे की जो थी अनाथ था जिसको बड़ा करके, और गोविंदा एक अनाथ लड़का रहता जो कादर खान उनको बड़ा करके पालते पोसते हैं और उनको राजा बाबू तक बना देते हैं। देखो इसमें स्टोरी बहुत अच्छी थी, जो कि आपको आँखों से आंसू भी आएगी और हंसी भी आएगी। देखो डेविड धवन ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि 90 में भी कॉमेडी बनाए और 20 में भी कॉमेडी मूवी बना के वो कॉमेडी किंग बन चुके हैं। अभी भी उनका एक मूवी आ रही है कुली नंबर वन, जो कि गोविंदा से कई मूवी का रीमेक है। देखो ये मूवी राजा बाबू की बात करते हैं, तो राजा बाबू में सॉन्ग जो थे ना भाई, बहुत एक नंबर सॉन्ग था सब। टोटल गाने अच्छे थे, जितना भी गाने था उसमें, चाहे वो आ आ ई हो या ओ यम्मा हो, जो भी गाना हो, मतलब सब अच्छे थे। बहुत बेहतरीन मूवी बनाई थी इसको, तो बहुत अच्छे डायरेक्ट किए थे पर ये अपना डेविड धवन ने। गोविंदा लोगों को हंसाया खूब, मतलब कि कॉमेडी किंग वो भी थे। पहले कॉमेडी करने में माहिर गोविंदा ही थे, क्योंकि जो गोविंदा कॉमेडी करते थे स्क्रीन पे, अब ना जाके कोई एक से कॉमेडी हीरो आ गया, मगर गोविंदा आज भी कॉमेडी के किंग कहलाते हैं, क्योंकि जितने भी उनकी मूवी पहले की थी सब कॉमेडी मूवी है। गोविंदा कॉमेडी मूवी का किंग कहलाते थे। मैं तो यही बोलूँगा आप लोगों कि अगर घर में बैठे बैठे हंसने का है, तो कॉमेडी मूवी अगर देखने का है, तो आप गोविंदा की मूवी कोई से भी देखो, चाहे वो राजा बाबू हो या कुछ और हो, कोई भी मूवी। पहले की मूवी गोविंदा की ज़्यादातर कॉमेडी ही होती थी, और ज़्यादातर उनकी मूवी को डायरेक्ट करते थे डेविड धवन। तो मैं आपको लोगों को यही बोलूँगा कि फटाफट देखो, क्योंकि राजा बाबू बहुत अच्छी मूवी थी। इसमें गोविंदा का कैरेक्टर है ना, मासूमियत कैरेक्टर था, भोलापन एक जाहिल इंसान का कैरेक्टर निभाए थे। करिश्मा कपूर बहुत स्मार्ट, बहुत हॉट दिखती हैं, जवानी में भी दिखती थी वो, आज भी दिखती हैं बहुत स्मार्ट। मैं ये लोग आपको बोलूँगा कि देखो फटाफट कॉमेडी, हंसो और हंसाओ पब्लिक को। हंसना बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि यहाँ घर बैठे बैठे तो दिमाग काम नहीं कर रहा है, हंसने का कोई रीजन नहीं मिल रहा है, किस बात पे हंसे आदमी, यहाँ तो गम में सब गम में है। बस यही एक ऑप्शन है कि मूवी देख के हंसो, अभी गोविंदा की मूवी, अगर गोविंदा की मूवी आप देखोगे तो हंसना है ही आपको कोई हाल में, जिसको रोना आएगा ना वो हंसने लगेगा। बस इतना ही, ओके बाय।